हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है, कल जो हमने बात की थी वो मेल गैमेट फाइट का डेवलपमेंट कर लिया था, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, अच्छा, परिवर्धन को करने के बाद, डेवलपमेंट को देखने के बाद जो हम बात कर रहे थे वो मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम मुख्य रूप से एक कार्पल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कार्पल के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो मादा युग्मकोद्भिद है वो एक फीमेल पार्ट है ना, और फीमेल पार्ट की अगर हम फ्लॉवर में बात करें तो वो एक कार्पल होता है, जिसको हम एक अंडक कह के चलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अंडक जो होता है, अंडक में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो ऊपर होता है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र कार्पल की सबसे शिखर भाग होता है, और यह वह भाग होता है जहां परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिका, जिसको हम स्टाइल कह के चलते हैं, वो एक खोखली नली होती है। आप सभी इस डायग्राम को जानते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल और ये ओवेरी अंडाशय, या मैं ये कहूं कि इसका निचला या आधारीय भाग फूला हुआ होता है, जिसको हम ओवेरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां तक एक बेसिक नॉलेज थी अंडक के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने मुख्य क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां हमको एक लाइन पढ़ने को मिली, वो मैं लाइन यहां आपको बता देता हूं कि अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। मुख्य बात है, हम फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास को लेकर है ना, क्योंकि हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास को तो कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। तो मादा युग्मकोद्भिद को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्लावर के फीमेल पार्ट का अध्ययन करना था। फीमेल पार्ट इसका अंडक होता है भाई, होता तो जायांग है, लेकिन जायांग की यूनिट क्या होती है? कार्पल। तो हम यूनिट पढ़ते हैं, जैसे हमने नर युग्मकोद्भिद में पोमंग की यूनिट पढ़ी थी, पोंकेसर। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार अब हमने जब कार्पल को देखा तो कार्पल के हमने तीन भाग देखे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्पेशली जो बात थी वो अंडाशय में है ना। तो अंडाशय में क्या होता है, छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है। अंडाशय में छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है जिनको हम मुख्य रूप से बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। ठीक है, तो अब हमारा जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो मुख्य रूप से इस बीजांड के अंदर होता है। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई, आपका जो ये अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में कुछ इस प्रकार की संरचना मैंने आपको बनाई है काफी बार, आपको याद है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं भाई।
ये अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर छोटी छोटी अनेकों संरचनाएं होती हैं जिनको आप अंड शेप में कह सकते हैं या गोलाकार शेप में कह सकते हैं। तो इस संरचना को हम मुख्य रूप से बीजांड या यानी कि ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल, तो बीजांड कह के चलते हैं। बात समझ में आ गई आपको इस लाइन का मतलब कि अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो बीजांड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये है बीजांड जो अंडाशय के अंदर है। ठीक है, बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं एक ही अंडाशय में, लेकिन हम यहां एक ही बीजांड लेके चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक मुख्य क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन आता है बीजांड की संरचना। तो इसको मैं बोलूंगा बीजांड, या इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। ठीक है भाई, बीजांड को ओव्यूल बोला जाता है और स्पोरोजीनियम जो गुरु बीजाणु धानी होती है। अच्छा, लघु बीजाणु, लघु का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा नहीं होता क्या, और गुरु मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो स्पोरोजीनियम, लघु बीजाणु धानी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजीनियम, और गुरु बीजाणु, गुरु का मतलब बड़ा, तो मेगा स्पोरोजीनियम। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, बीजांड को ओव्यूल कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी को मेगा स्पोरोजीनियम कहा जाता है। क्लियर सी बात है? चलिए, तो अब हम अपने बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पूछा गया था, मतलब इस साल से उस साल जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना को समझाइए। ठीक है, तो इस बार इसके चांस बन सकते हैं, है ना। देखिए, तो आप ध्यानपूर्वक बात को समझना। सबसे पहला पॉइंट, बीजांड अंडाशय भित्ति से एक ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं, जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। एक पॉइंट और है, बीजांड ग्रंथ बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं, उसे नाभिका कहते हैं, है ना। बीजांड ग्रंथ का ऊपरी भाग खोला हुआ होता है जिसे रेफे कहते हैं। सुनिए भाई, मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी सिलेबस था, अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस में ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर हमको जो मैंने तीन पॉइंट लिखाए ना, ये भी हमको संरचना के अंदर देखने थे, लेकिन आरबीएसई बुक में क्या किया हुआ है कि जो बीजांड की संरचना है उसके मुख्य रूप से पांच भाग माने गए, और होते भी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये जो मैंने तीन लाइन लिखी है ना, ये जो तीन लाइन है हालांकि वो भी ओव्यूल की स्ट्रक्चर में ही आती है, लेकिन आरबीएससी बुक में यहाँ इसको सेपरेट कर दिया गया है। यानी कि जो तीन लाइन है वो हमें एक्स्ट्रा रूप से पढ़नी है, और अगर संरचना ही हम पढ़े बीजांड की तो उसमें हम केवल पांच भागों का ही अध्ययन करेंगे, इनका अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी हमें पढ़ना है और तभी हमारी समझ में आएगी। ध्यानपूर्वक समझना। वो कुछ डेफिनेशन आपको बता रहा है, कुछ संरचनाएं आपको बता रहा है। क्या कह रहा है कि भाई जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है वो अंडाशय भित्ति से एक ग्रंथ द्वारा जुड़ा रहता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट, बीजांड ग्रंथ बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हम नाभिका कहते हैं, और बीजांड ग्रंथ का ऊपरी भाग खोला हुआ होता है जिसे हम रेखे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक चित्र के माध्यम से इन तीनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए अंडाशय है, यहां से दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय हो गया, सपोज मान चलिए सही में मान लो ये वही अंडाशय है कि नहीं। तो वो ये कह रहा है कि बीजांड, देखो बीजांड अंडाशय भित्ति से, तो ये जो अंडाशय भित्ति है इसमें एक ऐसी संरचना होती है इस प्रकार की, ये बात है ना, और ये होता है हमारा, चलो इसको, ये कंप्लीट एक बीजांड है। कंप्लीट क्या है, ये बीजांड, समझ में आ गई बात। अंडाशय के अंदर जो ये गोलाकार संरचना थी इनको बीजांड कह के चलते थे ना, तो हम पहली लाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो ये बीजांड है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, तो जो ये बीजांड है ना ये वाला, अब ये ऊपर वाला पूरा बीजांड है, तो बीजांड इस संरचना के द्वारा, देखो इसके द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, अंडाशय भित्ति से, तो इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ। बात समझ में आ गई। सेकंड क्या कह रहा है कि बीजांड ग्रंथ बीजांड से, अब ये बीजांड ग्रंथ है जो बीजांड से, अब यहां से बीजांड स्टार्ट हो रहा है ये वाला, है ना, हो रहा नहीं हो रहा। तो कह रहा है कि बीजांड ग्रंथ बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है, अच्छा ये इस स्थान पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा बताओ मुझे भाई, ये आपका बीजांड है यहां तक, और ये बीजांड ग्रंथ था, तो ये आपस में ऐसे जॉइंट हो रहे हैं इस स्थान पर, तो इस स्थान को हम कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं, नाभिका। बात समझ में आ रही है आपको। तीसरा पॉइंट कहता है कि बीजांड ग्रंथ का ऊपरी भाग, ये जो बीजांड ग्रंथ है इसका ये भाग थोड़ा ओवरा हुआ रहता है, ऐसे यहां की तरफ ओवरा हुआ है, तो इस भाग को हम रेफे या रेफी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने तीन लाइन है वो हालांकि है तो संरचना में ही बीजांड की, लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा रूप में पढ़नी है। मेरा कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन बीजांड की संरचना को लेकर आए तो आप इनको नए भी लिखें तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। समझ में आ रही है, हाँ। तो ये तीन लाइन आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम मुख्य रूप से अपनी संरचना को पढ़ते हैं कि आखिर बीजांड की संरचना या बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है भाई, तो संरचना में मैं सबसे पहले बताऊं तो हमारे पास होता है बीजांड काय। क्या होता है, बीजांड काय होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस है ना, बीजांड काय। ये प्रथम भाग है बीजांड का, तो इसके बारे में थ्योरी लिख दूं फिर इसके डेफिनेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो देखिए,
यह मुख्य को मुख्य भाग होता है जो मृत्यु तक की कोशिकाओं का बना होता है और आवरणों द्वारा घिरा रहता है। सेकंड, अध्यावरण एंटेगुमेंट, बीजांड काय दो आवरणों द्वारा घिरा रहता है जिन्हें बाह्य व अंत अध्यावरण कहते हैं। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, बीजांड काय अध्यावरणों द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं घिरा रहता वरन एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। निर्भाग चले जा बीजांड का आधारीय भाग निर्भाग कहलाता है। भ्रूण कोश जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह के चलते हैं, यह है मादा युग्मकोद्भिद है जिसमें अंड समुच्चय प्रतिमुखी कोशिका व ध्रुवीय कोशिका होती है। ठीक है, चलिए तो ये जो मैंने आपको लिखा है पांच पार्ट, वो हमारे ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो ये तो है इसकी थ्योरी, बात समझिए। अगर क्वेश्चन आए कि बीजांड या गुरु बीजाणु धाने की संरचना को समझाइए, तो ये हमें थ्योरी लिख के चलनी है उसकी, क्लियर है बात। तो अब हम थ्योरी के हिसाब से इसका एक डायग्राम बनाते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला जो भाग है वो बीजांड काय होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या होता है, मुख्य भाग होता है जो मृदु तक की कोशिकाओं का बना होता है और आवरणों द्वारा घिरा रहता है। अध्यावरण जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ये बीजांड काय को घेर के रखते हैं। बीजांड द्वार कि जो बीजांड काय होता है वो अध्यावरणों से संपूर्ण नहीं गिरता, वहां एक छिद्र रह जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। नेक्स्ट निभाग, बीजांड का जो आधारीय भाग होता है वो निभाग कहलाता है, और जो एम्ब्रियो सैक है वही हमारा मादा युग्मकोद्भिद है। ठीक है, अब ये तो एक थ्योरी सी थी
अब एक हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में ही हम इस पूरी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप डायग्राम में जरा ध्यान देना, डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। सबसे पहले इसको बनाना हम सीखते हैं। देखिए भाई, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वह है एक डीजांड का डायग्राम है। किसका है? डीजांड, जिसको हम ओव्यूल कह के चलते हैं, ठीक है भाई। अब आप ध्यान पूर्वक इसको समझना। तो देखिए, यह जो संरचना है वो बीजांड ग्रंथ कहलाती है, क्योंकि इसी संरचना से हमारा पूरा बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जो उभरा हुआ यहां पर भाग है, इसको हम रैफी कहते हैं। ये बीजांड ग्रंथ का उभरा हुआ भाग है। अब आपको यहां देखिए कि ये जो बीजांड ग्रंथ है हमारे बीजांड से इस स्थान पर जुड़ा हुआ है, तो इस स्थान को हम नाभिका कहते हैं। तो ये तीन बात हो गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में जो पहला भाग था वो ये था, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, देखो ये वाली जहां जहां पर मैं मार्कर कर रहा हूं, ये पूरी संरचना बीजांड काय कहलाती है, ठीक है। बीजांड काय क्या होता है भाई, कि यह बीजांड का एक मुख्य भाग है और जो मृदु तकी कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है या बना होता है। अब जहां भी मृदु तकी पेरेन्काइमा सेल की बात आ जाए, तो इतना समझ लेना कि इसका कार्य पोषण प्रदान करने का होगा, क्योंकि जो मृदु तक कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। तो और आवरणों द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा? आवरणों द्वारा। अब ये आवरण है एक और दो, एक और दो, तो ये आवरणों द्वारा घिरा रहता है। तो आप आराम से बीजांड काय के बारे में लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या लिखेंगे? कि यह मुख्य भाग है जो मृदुता की कोशिकाओं का बना होता है और आवरणों द्वारा घिरा रहता है, पहला। सेकंड है इंटेगुमेंट, जिसको हम अध्यावरण कह के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है
कि बीजांड काय दो आवरणों द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें हम इंटेगुमेंट कहते हैं। अच्छा, ये है बाह्य इंटेगुमेंट एक्जो, और ये है एंडो, ये वाला अरे आंतरिक, और ये बाह्य। तो बहुत सिंपल सी बात है ना अध्यावरण की, और चित्र में भी आप समझने की कौन सा पार्ट क्या है। भाई ये तो बीजांड काय है, बीजांड काय को दो आवरणों ने घेर रखा है, इन आवरणों को हम अध्यावरण कहते हैं। अब बाहर का जो है वो बाह्य अध्यावरण, भीतर का है जो अंत अध्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है बीजांड द्वार की। बीजांड द्वार देखो ये रहा। अब आप एक बात मुझे बताइए कि ये बीजांड काय था और ये अध्यावरण थे, तो आप मुझे बताइए इन अध्यावरणों ने इस पूरे बीजांड काय को घेर रखा है क्या? नहीं घेर रखा। यहां पर एक छिद्र होता है। देखो ये छिद्र है भाई, ये हमारे अध्यावरण है दोनों, तो यहां बीजांड काय को नहीं घेर रखा अध्यावरणों ने, बल्कि यहां पर क्या रह जाता है, एक छिद्र रह जाता है, उसी को हम बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इसका जो आधारीय भाग होता है, तो ये इसका आधारीय भाग है, ठीक है, ये सुपीरियर है, ये इनफीरियर है, निचला भाग है और ये ऊपरी भाग है। तो ये जो आधारीय भाग होता है ये वाला, इसको हम नेभाग यानी कि चैलेजा कह के चलते हैं। बात समझ में आ गई? बीजांड का जो आधारीय भाग है उसको हम चैलेजा कहते हैं, नेभाग कहते हैं। लास्ट है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है बीजांड के अंदर, तो ये बीजांड काय के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं या भ्रूण कोश कहते हैं। इसके अंदर ये प्रतिमुखी कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका और ये अंडसमुच्चय, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये वाला, तो इनके भी आप नाम लिख सकते हैं, है ना, इनके भी। और वैसे इसकी अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइल है, ये इंटेगुमेंट है, ये न्यूसेलस है और ये चैलेजा है। तो यह है हमारे बीजांड की संरचना, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो आप इस डायग्राम को बना के एक बार देखिए, क्योंकि वो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना को समझाइए, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना को, सॉरी, एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बीजांड का जो आपसे चित्र पूछेगा ना, वो ये वाला बीजांड पूछेगा आपसे, है ना, इसको हम प्रतीक बीजांड कहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी बुक में जो अगला टॉपिक है वो बीजांड के प्रकार हैं, और जो बीजांड के प्रकार हैं वो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकार है बीजांड का वो प्रतीक बीजांड है, तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रतीक बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये जो हमने पढ़ा है वो प्रतीक बीजांड का चित्र है, और इसी की हमने संरचना देखी है। बात समझ में आ गई? तो इसका अभी एक बार अभ्यास करो डायग्राम बना के, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात, है ना? तो आराम से बना लेंगे ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलिए आप। इस साल जरूर या तो ये चित्र पूछा जा सकता है या संरचना पूछी जा सकती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लेना, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में।